हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूँ। ये मैं कोई रेस्टोरेंट में नहीं बैठा हूँ, नहीं तो आप इसे देख के सोचो। ये फ्रेंच चाउमीन रेसिपी है जो मैंने घर पर बनाई है, तो आपको भी ये फ्रेंच चाउमीन की रेसिपी बनाना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए बनाते हैं ये झटपट तरीके से। तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने पानी पहले ही उबलने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पर मैं ये नूडल्स इसमें डाल दूँगा। बस इसी तरह से छोड़ना है और ये अपना काम खुद ही करेंगी। बस इसे को इसी तरह से हम छोड़ देंगे। अब इसमें ये थोड़ा सा नमक और ये मैं एक चम्मच वेजिटेबल ऑयल और ऐसे थोड़ा मिला के इसे यूँ ही उबालने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट। ये 2 से 3 मिनट हमने उबाल लिए हैं। अब इन्हें देखते हैं, ये हमारे लगभग पक चुके होंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पक चुके हैं, बिल्कुल रेडी है। तो इन्हें हम एक छलनी में छान के इन्हें थोड़ा ठंडा पानी से इन्हें धो लेंगे। तो चलिए एक छलनी लेते हैं, ये बिल्कुल पक चुके हैं। इन्हें छान के ठंडे पानी से हम इन्हें धो लेंगे, क्योंकि जो चिपचिपापन रहेगा वो उस ठंडे पानी से पूरा निकल जाएगा। ये हमने धो लिए थे, अब इन्हें तेल लगा के इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अपन। अब मैं ये कढ़ाई लूँगा, इसमें 3 से 4 ये छोटी छोटी सी चम्मच हैं। ये फ्रेंड्स छोटी चम्मच है, ना ही आप बड़ी चम्मच से तेल डाल दो। ये छोटी चम्मच से मैंने 4 चम्मच इसमें तेल डाल दिया है। और अब मैं 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगा, ये देखिए, और इसे थोड़ा भून लूँगा। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है, इसे अब थोड़ा सा चला लूँगा। अब इसे चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे ये हमारी प्याज। ये यहाँ पर मैंने 2 छोटी छोटी सी प्याज की गांठ ली है, इसे लंबा लंबा काटा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि चाउमीन में ये सब लंबी ही कटते हैं। तो यहाँ पे ये शिमला मिर्च भी आप देख सकते हैं कितनी ही लंबी लंबी मैंने इसे इन्हें भी काटा है। ये 1 शिमला मिर्ची है और ये हमारी शलजम, ये भी 1 मैंने ली है और इसे भी अच्छा लंबा लंबा काट लिया है, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और ये इसका कलर भी बहुत गजब का आएगा। और ये हमारी पत्ता गोभी, तो इन सभी को हम अच्छे से चला लेंगे। ये गैस हमने यहाँ पर बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखी है, ना ज़्यादा लो ना ज़्यादा हाई, और इसे हम अच्छे से मिला लिया हमने इन्हें, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें डालेंगे दोस्तों, ये मैं 2 चम्मच ये सॉस है, ये हमारी मीठी वाली सॉस है, और इतनी ही मैं लगभग इसमें हरी सॉस डालूँगा। ये देखिए, मैंने 2 चम्मच यहाँ पे हरी सॉस डाल दिए। और अब दोस्तों इसे भी हम मिला के इसमें थोड़ा सा नमक, नमक हमें कम ही डालना है। और फाइनली नमक डालने के बाद आप देखिए मैं कितनी झटपट तरीके से इन्हें बना रहा हूँ, और ये हमारे नूडल्स इसमें चले जाएंगे। तो ये नूडल मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब नूडल्स डालने के बाद अब डालेंगे इसमें हम 2 चम्मच विनेगर, ये विनेगर है, यहाँ पे मैं 2 चम्मच विनेगर लूँगा। और ये सोया सॉस, यहाँ पे 2 चम्मच मैं सोया सॉस डाल रहा हूँ। अब ये थोड़ा सा मैंने टेस्टी नमक है, और ये 1 चम्मच ये हमारी काली मिर्च रहती है, तो ये उनका पाउडर मैंने लिया है 1 चम्मच, आप देख सकते हैं मैंने काली मिर्च का पाउडर। और ये फाइनली थोड़ा सा नमक हमें कम ही डालना है, क्योंकि हमने उबलने में भी डाला था और हमारी जो सब्ज़ी वेजीज थी वो पक रही थी तब भी डाला था। तो इसमें हम नमक का विशेष ध्यान रखेंगे, इन्हें अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए क्या शानदार लाजवाब इनका कलर आ रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स, कोई इन्हें देख के बोलेगा कि ये घर की बनाई हुई हमारे फ्रेंच नूडल्स हैं। मुझे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। तो ये बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी हैं, आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज ही आप उठिए और बनाइए,
ये फ्रेंच चाउमीन की रेसिपी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी बनाई हुई रेसिपियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आई होप आप जानते ही होंगे कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि जब भी मैं ऐसी और इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आऊँ तो आप उन्हें देख सकें। तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड जय हिंद, जय भारत।